मांडो जल्दी बढ़ो जल्दी जल्दी। सभी रुक जाओ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सबको मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है? और वो आतंकवादी लोग बहुत साथी भी हो सकते हैं और इसी एरिया में छिपे होंगे। हम लोग का बस ध्यान रखना है आगे पीछे लेफ्ट राइट इधर उधर चारों तरफ ध्यान रखना है। देख मैप दो। सबको बैठो। ये एरिया जहाँ पर हम लोग हैं और ये एरिया माउंटेन जो साउथ की तरफ है और वो सब वहाँ से नहीं आ सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी नदी है, इसके वजह से वो नदी पार करते करते बहुत घंटे बीत जाती है, इसीलिए वो पार नहीं होती और बहुत गहरी। और पश्चिम की तरफ बात करें तो पश्चिम की तरफ से वो सब नहीं आ सकते उधर से। क्यों सर, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो दक्षिण की तरफ नदी है वो घूमकर पश्चिम की तरफ भी है। रही बात नॉर्थ की, वो लोग नॉर्थ की तरफ से भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है कुछ दिनों तक। तुम गलत सोच रहे हो, मेला ओ माय गॉड, तुमको इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पर भीड़ लगता है। हो सकता है सर इसीलिए उन्होंने प्लान रचा होगा वहाँ पर। कमांडो की तुमको माउंट जो साउथ की तरफ है उस तरफ ध्यान रखना और किसी को जाते हुए देखना है तुरंत इन्फॉर्मेशन करना, ठीक है? ठीक है सर। कमांडो विवेक तुम्हें उस तरफ ध्यान देना है जिधर नदी है और किसी को भी देखो तुरंत इन्फॉर्मेशन करना, ठीक है सर। कमांडो साहिल ये बैग में जो भी चीजें ये दोनों को देना है, ठीक है? ठीक है सर। प्रॉब्लम कोई डाउट? नो सर। ओके गाइस लेट्स गो। आतंक का दूसरा नाम अजगर खाने, जो देखता नहीं सीधे निगल लेता है। उन्होंने हमें मारने के लिए कोई ना कोई जाल बिछाया है, पर हमें अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाना होगा और जितना हो सके अपना मकसद पूरा करना है। जी भाई साहब। क्या तुम लोग तैयार हो? जी भाई साहब। इस काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी भाई साहब। और एक बात और सुन हंटर, मुझे इस काम में गद्दारी नहीं पसंद है। अगर किसी ने भी गद्दारी की, जिसने गद्दारी की उसे ऐसी मौत देना है उसकी रूह कांप उठे। अगर किसी ने भी गद्दारी की सालों के खाल खींच के ढोलक बना देंगे ढोलक। चलो इसका मतलब इधर ही डेरा डाला है, जरूर आसपास ही होंगे। रुको हम लोग को ना बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। और जरूर आसपास ही होंगे तो हम लोग को चारों तरफ फैलना पड़ेगा। साहिल तुम इस तरफ जाओगे, ठीक है? ठीक है। विवेक तुम इस तरफ जाओगे और विक्की तुम इस तरफ जाओगे। किसी को कुछ भी दिखे तुरंत इन्फॉर्मेशन करना, ठीक है? ठीक है सर। चारों तरफ फैल जाओ, फैल जाओ। पर छुपे हैं, अभी सर को बताना पड़ेगा। बोल कुत्ते, बोलता क्यों नहीं? बता तेरे कितने साथी हैं? तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो मैं नहीं बताऊंगा अपने साथियों के बारे में। अरे वजह से एक आदमी हमारा मारा गया। कोई बात नहीं, तू खुद बुलाएगा अपने आदमी को। विवेक और साहिल कुछ मिला? नहीं सर। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। विक्की कहाँ है? सर नहीं पता। ओह माय गॉड, कुछ खतरा हो सकता है, मूव फास्ट जल्दी।
खून, ओह माय गॉड, जरूर रास्ता सही है। सर वो रहा विस्की, सर उसका दर्द मुझे सहने जा रहा, मैं इसको जा रहा हूँ बचाने। नहीं सहने, नहीं। विस्की, मैं तुम्हें बचा लूँगा विस्की, मैं तुम्हें। नहीं मैं ठीक हूँ। साहिल को मैंने मना किया कि मत जाओ, मारे जाओगे, मगर वो चल गया। वो कुत्तों को मारना पड़ेगा, और दिमाग से, और आगे से नहीं पीछे से जाके। एक बंदा और है जो इधर ही छुपा है। मैं फिर आऊंगा, याद रखना। दो तीन, दो तीन, तीन चला। हाँ, अगर किसी ने भी गद्दारी की, ताले का खाल खींच कर ढोल। Mar